نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي أمين الكريم. ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے دروش پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی صلاتاً وسلاماً علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محترم زینت علماء اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ ابو الخیر
डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहिब दामत बरकातुहुम अलालिया इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए किराम मेरे बुजुर्गो दोस्तों, मैं और आप आज यहाँ अपने लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत सुनने सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर मेरा और आपका आना कबूल फरमाए। मेरे जिस दोस्त बुजुर्ग ने आज के इस तरबियती इज्तिमा से इज्तिमा के इंतजाम के सिलसिला में अंजुमन फैजाने मदीना से ताबुन किया है, अल्लाह ताला उनकी मेरी सब हाजरीन सामईन की सारी दुनी दुनियावी मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अजमत रसूल के लिए हमेशा हमेशा जब तक सांस है काम करने की तौफीक नसीब फरमाए, और फिर जब रूह परवाज कर जाए तो कब्र में हशर में मदीने के चांद की शफात नसीब फरमाए। आप हजरात का ये जौक शौक ये वालहाना अंदाज में अपने आका की अजमत सुनने के लिए तशरीफ लाना इसने बड़ी मुसर्रत बख्शी है। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की बेहतरीन बरकात से मालामाल फरमाए, और जिक्र रसूल का सदका अल्लाह हमारे इस शहर को, कराची को, पूरे पाकिस्तान को अमन का, मोहब्बतों का, खुशियों का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, रब्बल आलमीन तू नायब बनाएगा इंसान को, हजरत आदम को, लेकिन आगे जो इनकी औलाद होगी, इनकी जो आगे नस्ल चलेगी, उसमें तो फसादी भी होंगे, डकैत भी होंगे, कातिल भी होंगे, और खाम खाम बदअमनी फैलेगी। या ना इसलिए नायब बनाना, या ना अगर तू नायब इसलिए बनाना चाहता है कि वो तेरी तस्बीहें पढ़ेगा तो मौला फिर बिल्कुल ना बना, इसलिए कि इस इंसान से हम फरिश्ते तेरी तस्बीहें बेहतर पढ़ सकते हैं। इसलिए कि फरिश्तों को पता था कि इंसान सोएगा भी, नींद भी करेगा, और हम तो सोते भी नहीं। मसलन एक आदमी की उम्र हुई 60 साल, किसी की उम्र 60 साल हो तो कभी हिसाब लगाया 60 साल जिसने जिंदगी गुजारी है कितने बरस उसने सोकर गुजारी। अगर रोज 8 घंटे सोता है औसतन तो 20 साल सोकर गुजारेगा, और फिर जब जागता है कितना ही बड़ा आलिम आबिद जाहिद क्यों न हो,